नमस्कार। राजस्थान के कार्मिकों को सील के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश के लिए, चाहे वो एमएल हो, पीएल हो, सीसीएल हो, कोई भी अवकाश हो, उनके लिए ये फॉर्म भरना है। सामान्य संख्या 45। अगर आपके पास नहीं हो तो मेरे टेलीग्राम आईडी एक्सपर्ट स्टडी गुरु से आप ले सकते हैं। तो इसे कैसे भरना है, आवेदक का नाम, अपना नाम भर दीजिए, उसके बाद पदनाम, 3 नंबर में विभाग कार्यालय, 4 नंबर में वेतन अपना, और 6 नंबर जो बिंदु है, 6 नंबर बिंदु है, आप अवकाश लिखेंगे कि किस प्रकार का अवकाश आप ले रहे हो, उसके दिनांक जितनी आवश्यकता है। 7 नंबर में आप रविवार तथा छुट्टियां यदि कोई हो, जिन्हें अवकाश के पहले या बाद में जोड़ने का कोई प्रस्ताव हो तो भरेंगे। 8 नंबर जो महत्वपूर्ण बिंदु है सबसे, जिसके आधार पर अवकाश मिल रहा है, अवकाश के लिए आवेदन के कारण, वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मेडिकल है तो मेडिकल लिखेंगे, अधिकांश प्रोबेशन वाले शिक्षक हैं तो मेडिकल के आधार पर ही वो फॉर्म भरते हैं ये आवेदनिक अवकाश का। तो मेडिकल के लिए जैसे आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, फिटनेस होगा, वो आप इसके साथ अटैच करेंगे। 9 नंबर में गत अवकाश से लौटने का कारण भी लिखेंगे, और उसके बाद 11 नंबर बिंदु है, खुद के साइन होंगे, और 12 नंबर में नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति या सिफारिश। इस प्रकार ये फॉर्म पूरा हो जाता है। फिक्सेशन फॉर्म के लिए आपको इस फॉर्म की स्वीकृति की फाइल है वो अपलोड करनी होगी, और इसको भरने से संबंधित या अन्य संबंधित दिशा निर्देश भी इस पीडीएफ फाइल के साथ लगाए गए हैं। फिक्सेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या अन्य कोई शिक्षा विभाग से संबंधित आपको समस्या है तो आप SMS कीजिएगा। जो चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।